सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग और तेज कर दी है। आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और ऑक्सीजन की आसान उपलब्धता को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब इसके तहत सरकार ने कहा है कि पीएम केयर्स फंड के तहत 100 नए अस्पतालों में होगा उनका खुद का ऑक्सीजन प्लांट। पीएसए संयंत्रों की स्थापना के लिए दूर दराज के स्थानों में 100 अन्य अस्पतालों की पहचान की जा रही है। भारत सरकार ने 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन आयात करने का भी लिया निर्णय। 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के आयात के लिए जल्द जारी होंगे टेंडर। स्वास्थ्य मंत्रालय निविदा को अंतिम रूप देगा और एमईए कमिश्नरों द्वारा पहचाने जाने वाले आयात के संभावित स्रोतों का भी पता लगाएगा। केंद्र सरकार ने भी कहा है कि ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा मांग वाले 12 राज्यों की मैपिंग की जाएगी। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और दिल्ली।